बहुत बहुत मुबारक है सर। चलो जी सुसाना सारे ना शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत मुबारक साहब। ये जड़ी कारवां चलाया सानी फाइल दबी नहीं सी, जड़ी अस तुसाना बहुत बड़े मशहूर हैं, और अमित शाह साहब ने भी अस शुक्रिया अदा करने, और होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर जड़े अस नरेंद्र भाई मोदी साहब हैं, उन्होंने भी अस शुक्रिया अदा करने, और अस वादा किया ना जड़ा तुसाना सर कि अस हर घर तुसाना बीजेपी ने झंडा लाएंगे, और इंशाल्लाह तुसें पुंछ जोड़ी जड़ी सीटा जीती ते दसा और प्रूफ कर सां। इस तरह तुसा असा की तुसा असा ना कड़ाका कड़िया अस कड़कार कर सां, और इंशाल्लाह जोरदार तालियां इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद जनाब सर, ते तुसरी मलिक साहब ए तुसा आवना है बनना क्या बात है, मिठाई खाओ जी। देखो एक बात मलिक साहब जेड़े और पूरी जड़ी तुसा ना बीजेपी ना सर पहाड़ी कबीले ना यूनिट है उन्हें मुबारक है। अकबाल मलिक साहब होए, विभोत गुप्ता साहब होए, असने पुंछु प्रदीप शर्मा साहब, सारे तुसा कोशिश की थी। चलो चलो जनाब गल है के तुसा सारे तो सारे साड़ी सब तो बड़ी शान हो, साड़ी सब तो बड़ी खुशकिस्मती है सी के क्यादत साड़ी है वो पार्टी सी पढ़ा की बहुत-बहुत मुबारक है, मुबारक है सर तुसा की तरह बड़ी शान है तुसा, और तुसा आसने की बंदे क्या बात है। तो जे ते वो मीठा करो जी अकबाल मलिक साहब जनाब, कफील साहब लो जी, सलीम नाथ साहब आओ जनाब, मेरा अच्छी दी है मेरे अच्छा साहब इकबाल मलिक जी। बात यह है कि हम पहाड़ी समुदाय के वो लोग थे जो एक जैसे जानदार चीज होती है लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है, हम हवा में थे, 70 साल से हमारा कोई ठिकाना नहीं है न था, लेकिन हमारे रहबर हमारे गाइड एक मर्द ने इस कौम के लिए एक तिनका तिनका इकट्ठा करके एक घोंसला बनाया जिसके अंदर आज सारे पहाड़ी लोग जो हैं वो समाये हुए हैं, और क़यामत तक इन्होंने ऐसा ठिकाना ऐसे ऐसे पक्षियों का बनाया जिनका ना कोई सर था ना यहाँ कोई पांव था। ये मैं कहूँगा, दिल से कहूँगा, और हर पहाड़ी ये कहेगा कि ये सब सेरा जो है ये हमारे इस मर्द को जाता है जिसने अपने कुंभ के लिए जो है वो एक जंग लड़ी है, वतन के लिए लड़ी है। मैं खास करके ये कहूंगा दूसरे कबीला के लोगों को, हमारे कुरान ने ये कहा है कि अगर तुम पे कोई छोटा एहसान करे उसके बदले में आप जब तक उसका एहसान नहीं चुकाओगे तब तक अल्लाह के मकरूज रहेंगे आप। मैं अपने पहाड़ियों से ये गुजारिश करूं कि वो बात जो हमारे जेल तक कभी नहीं थी वो आज रविंद्र रैंदर जी की क्यादत में होके जो के हो गई है। लिहाजा जो लोग आज किसी पर टिप्पणी करते हैं या निशाना करते हैं बीजेपी, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो मैं कहूंगा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मेरी वो बरादरी गुजर बरादरी जिसके लिए सब अपने तो वो तो हमारे जान है हमारे एक है। मैं मेरी एक बात है उनके लिए मैं कहूंगा तो पहाड़ियों को तो आज मिला रैना साहब, पहाड़ियों को तो आज मिला, सारी जिंदगी जितनी नुमाइंदगी आपने गुजर बरादरी की वो भी हमारे वो भी आपके हैं, वो भी मेरा उनसे भी दरख्वास्त है। देखो मेरी बात सुनो, देखो जनाबे मोहतरम टीकू खान साहब और कफील साहब, अकबाल मलिक साहब, हमारे कयूम मीर साहब और संजीव जी और आसिफ आजाद खान साहब, सलीम मुगल साहब और फारूक मागरे साहब जो बालाकोट के हैं, और पंडित अपने सीताराम साहब बाली साहब, और जितने भी यहाँ पहाड़ी कबीले के साथी आप आए हैं मैं आप सबका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आपने बड़ी इज्जत बख्शी है हमेशा। देखो मोदी साहब का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सारे हमारे हैं, इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर शख्स हमारा है, हमारी किसी के साथ कोई जाति लड़ाई कोई किसी के खिलाफ तनकीद करना या कोई इश्तियाल अंगेजी करना यह हमारा काम नहीं है। हम इस हिंदुस्तान के इस खूबसूरत इस गुलदस्ते के इस आलीशान गुलशन के अलग अलग खूबसूरत फूल हैं। एक बाग में एक ही किस्म के फूल होंगे तो खूबसूरती उतनी नहीं है,
हर किस्म के खूबसूरत फूल हैं तो खूबसूरती लाजवाब होती है। तो आपने देखा कि मोदी साहब ने गुजर बकरवाल अपने भाई जो है और उस कबीले के लोगों का सबसे पहले काम किया, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों का मसले हल किए, गोरखा समाज, बाल्मीकि समाज और यहाँ की खवातीन के मसले हल किए, उनको हक दिए। फिर यहाँ पंचायती राज किसने बनाना था आपको, बीडीसी और डीडीसी किसने बनाना था, और इतना पंचायतों में पैसा, इतनी डेवलपमेंट। और फिर बात रही पहाड़ी कबीले की, तो पिछले 70 साल से एक जंग लड़ रहा था पहाड़ी कबीला, आप सब लड़ रहे थे, आपके जो दादे परदादे हैं, आपके जो खानदान के पुराने लोग हैं, उन्होंने जंगें लड़ी है जनाब, ठीक है। तो आज मुझे याद है, और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हम छोटे छोटे होते थे तो मरहूम राजा सरदार रफीक खान साहब जब वो पहली बार वहां एमएलए बने तो मेंडर से जीत गया, जनता पार्टी के मैंडेट पर जीत गया, तो हमारे गांव में उनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ था। और मुझे याद, हम बड़े छोटे छोटे थे, और उसके बाद जब वो दूसरी बार भी जीते, तो दूसरी बार जब जीते तो और पार्टी से जीते, हमारी पार्टी से नहीं थे, लेकिन चूंकि इस कबीले के एक बड़े लीडर थे तो उनका एहतराम और इज्जत था, तो हम सबको मिलकर एकजुट होकर, अब मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने ये नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस वास्ते मैं कह रहा हूं जनाब टीकू खान साहब, तुम थोड़े गर्म दल ने नेता हो, थोड़ा अच्छा है, क्रांतिकारी जिसे आने फ्रीडम फाइटर रेवोल्यूशनरी, लेकिन तुसानियां दो दादियां जेड़ियां सन, परदादियां, दो परदादियां गुजर कम्युनिटी की, हां उन्हां की भी हमेशा याद रखना, क्योंकि वो भी सारे वो खानदानी अस दतरमानी रिलेशन अस रखे ना ना सर, हां जरूर, वो बहुत जरूरी है, अस हां परदादियां रही, परदादियां जेड़ियां गुजर कम्युनिटी। तो इस अवस्था देखो ना, चाहे गुजर बकरवाल होगा या पहाड़ी होगा, आपस में सारे रिश्तेदार हैं, लोकां दी रिश्तेदारियां ही हैं, लोग एक जगह रहे नहीं, कठे खाने एक दुए ने प्रोग्राम रेन सेन खान पान कल्चर लैंग्वेज सब इकट्ठा है, रहीमदार साहब दी मां बोली है। इस वास्ते आसान ने मिलजुल के, चाहे साड़ा गुजर बकरवाल कबीला है चाहे पहाड़ी कबीला है, दो साड़ी शान है, कारवाई चलाना है, कारवा तुसा चलाना है, चलाना और इंशाल्लाह चलाओगे मिलजुली तक गुजर पहाड़ी बाई बाई। हां क्या बात है, क्या नारा मारा सो गुजर पहाड़ी भाई भाई, ये नारा तुसा कढ़िया, मुबारक किया, बहुत शानदार, और इस कारवे की आगे पुजाओ सारे, ठीक है कफील खान साहब तुसे मुबारक किया, ये अपने डीडीसी कयूम मीर साहब बड़ा माया नाज वर्कर हो, तुसा की मुबारक किया, अकबर मलिक साहब तुस सारे इस कबीले दी एक बड़ी शान हो, तुसा की भी मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। सलीम नाज साहब देखो जी आसिफ अमजद मिर्जा साहब आए बड़े पहाड़ी, इधर आओ जी अमजद मिर्जा साहब, मुबारक सारे शुक्रिया।